आज हम आए हुए हैं लक्ष्मी सॉफ्ट टॉयज में। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आज हम सारे सब कुछ आपको बताएंगे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो सॉफ्ट टॉयज में मिलती हैं, क्या प्राइजेस हैं, क्या रेट हैं, आज हम सारा यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर रिटेल भी है और होलसेल भी, यानी मैन्युफैक्चरर भी होता है जी, यहाँ पे बनाया भी जाता है इसी लक्ष्मी सॉफ्ट टॉयज में, और इनका एक और है लक्ष्मी इंटरप्राइजेस में बनाया जाता है। इनका दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आज हम ये दोनों आज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते दुकान के अंदर और सारी चीज़ें क्या रेट है, क्या भाव है, सब कुछ बताते हैं आपको। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आइए बहुत ही अच्छे होंगे। हम आए हुए हैं लक्ष्मी इंटरप्राइजेस जो भाईंदर में है, टॉयज के जो शॉप है। यहाँ पर किस रेट की क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या साइज़ मिलता है, सर से बात करेंगे। तो सर बताइएगा पहले कि क्या क्या मिल जाता है आपके पास सॉफ्ट टॉयज में? तो सब मिलता है। अच्छा, 25 रुपीज़ से लेके 4000 तक का है। 25 रुपीज़ से 4000, मतलब रिटेल में? हाँ। मतलब एक पीस की जो बात करें। अच्छा मुझे बताइएगा 25 रुपीज़ वाला कौन सा आइटम है आपके पास, कौन सा आर्टिकल है? ये 25 रुपीज़ ये 150 रुपीज़ ये 250 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 रुपीज़ ये 75 रुपीज़ ये 75 रुपीज़ ये 50 रुपीज़ ये 50 अच्छा ये भी 50 ये 75 रुपीज़ पर पीस ये 80 रुपीज़ ये 80 रुपीज़ भाव है। अब बाकी इसमें आप बताइएगा कि ये 100 का जो बैग है ये 150 रुपीज़ ये 200 रुपए का ये 300 है ये 300 रुपए का। अच्छा, तो देखिए रिटेल में जो भाव है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किस रेट की मिलती है, और ये पूरे लाइन 250 के हैं। ये सारे 250 रुपए का पर पीस है, मतलब एक पीस आएगा 250 रुपए के अलग अलग। उसके नीचे वाला भी ये भी 250 के? हाँ सेम रेट। तो ये भी 250 रुपए की पर पीस है। अच्छा अच्छा, और ये वाले लाइन 200 के हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको 200 रुपए में, जैसे पैकबिन है और ये देखिए ये माउस है, मिक्की माउस है, तो ये सब ये 200 रुपीज की है। ये 150 के हैं। ये नीचे वाले हैं देखिए, ये इस तरह के, इसको क्या बोलते हैं? टेडी बियर। ये जो ये फर है, ये फर है। अच्छा, और जो ऐसे वाले आते हैं उसके रेट ज्यादा लग जाते हैं, ज्यादा लगते हैं ऐसे वाले जो रहते हैं। ये सॉफ्टनेस कपड़ा है, एसएस कपड़ा है। तो ये सब 200 वाले हैं। अच्छा, आगे जो बड़े हैं ये क्या रेट के मिल जाएंगे आपके पास? अभी ये सर 2000 का है। ये 2000 रुपए का है, 4 फुट। ये 4 फुट का है। अच्छा, फुट के हिसाब से अलग अलग रेट होता है, क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, तो ये देखिए ये 4 फुट के हैं। और अच्छा जी, अभी पिकाचू, ये पिकाचू का क्या भाव है? 1250 रुपया। ये क्या साइज का है? ये 2.5 फीट। बाहर मिलेगा कम से कम 2000 का। आप क्या पे मिल जाएगा 1250 में और बाहर मिलेगा 2000? एक निकाल के दिखा सकते हैं आप? अच्छा, तो ये देखिए ये आपको मिल गया, ये देखिए ये सारे एक बार में गिर गए। ये देखिए, तो ये पिकाचू क्या रेट बताया आपने? 1250 रुपए का। अच्छा, और क्या है और बताइएगा? ये देखिए ये क्या भाव? ये 500 ओनली। ये 500 रुपए में? हाँ। बाहर कितने का मिलेगा? बाहर 950 आपके पास में मिलेगा 500 रुपए में। अच्छा, ये क्वालिटी अलग है, ये 1000 रुपीज में आएगा। ये 1000 रुपीज में 3 फीट। अच्छा, 3 फीट 1000 रुपीज में। बाहर लेने जाएंगे तो 2000 के आसपास आएगा, 1500 बराबर। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? टेडी बियर। ये सब टेडी बियर। ये क्या भाव? 750। 750 रुपए, बहुत सस्ता आपके पास बाकी। हाँ। से अगर कंपेयर करें तो बाहर यही 1500-1200। अच्छा, 1200 रुपए। अच्छा, और क्या है? और एक आर्टिकल आप जो पीछे दिखा रहे थे ये बच्चे का, ये 400 रुपीज, 400 रुपए में। अच्छा अच्छा, ये भी 2.5 फीट रहेगा। ये भी 2.5 फीट है। अच्छा, और वो जो पीछे लुढ़क गया हमारा छोटा टेडी बियर, ये भी 400 का है। ये बैठा मॉडल है, खड़ा हुआ मॉडल है। अच्छा, जो खड़ा हुआ है वही फोर, मतलब वो भी है, वो सेम साइज, वही मटेरियल उतना ही वही है। अच्छा, इनके लोग की लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने दिन तक ये? ये अभी फाड़ेंगे नहीं, बच्चे खींचेंगे नहीं, तो ऐसा चलेगा कम से कम 3 साल, 3-4 साल तक आराम से चल जाएगा। और ये मटेरियल तो बहुत चलता है, कम से कम 10 साल, ये 10 साल तक फेंकना ही पड़ेगा। 1000 रुपीज, 1000 रुपए में ये इतना बड़ा मिल जाएगा, बाकी जगह लास्ट में आपको फेंकना पड़ेगा, कुछ होता नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो देखा ये आपको हमने दिखा दिया है, और सर सामने जो आर्टिकल है वो बताइए। अभी ऐसी डोल देखिए 200 रुपीज, ये 200 रुपए में। अच्छा, फिर 300 रुपीज, अच्छा ये 300 रुपए का। 450 रुपीज का है ये वाला, 400। अच्छा, 400 का है ये। फिर ऐसा 550, अच्छा 600, ये 600 रुपए का है। 650, 650 का। अच्छा, ये बाहर लेने जाएंगे तो उसकी क्या? 1000 रुपीज। आप क्या पे? 650। 650। अच्छा ठीक है। और ये जो मिक्की, अभी मिक्की माउस बाहर लेंगे तो 3500 का है, इधर इधर 2100 रुपए, 2100 रुपए का है। बाहर 3500। अच्छा, बाहर 3500 ठीक है। और ये अभी ये पांडा 4 फुट का है, एक निकाल के दिखा सकते हैं पांडा? अच्छा, ये देखिए ये पांडा, देखिए ये कितने का है सर?
ये देखो, ये सब एक साथ जैसे एकदम दोस्ती आ रही है। ये देखिए, ये पड़ेगा 1350। ये 1350 रुपए की, 4 फुट। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी ये देखिए, ये टेडी है, सेम साइज है। अच्छा, ये 1000 रुपीज, उससे बड़ा ही है। अच्छा, उससे बड़ा है, वो खाली कपड़े कपड़े का फर्क, कपड़े कपड़े का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखा, ये आपने आपको दिखा दिया। और जो कछुआ जो सर अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है बहुत ज्यादा, ये क्या भाव है? 200। 200 रुपए में? अगर ये बाहर लेने जाएगा कम से कम 350-450 में? नहीं, उतना नहीं जाएगा, ये नॉर्मली चलता है 300 तक। अच्छा, 300 तक जाता है आपके यहाँ पे? 250। 200। 200 रुपए में? अच्छा अच्छा, इसमें 200, 250, 300, 350, 450 साइज के ऊपर ऐसा बढ़ता जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और बाकी सर ये सब क्या भाव है ये आपके पास? ये अभी इम्पोर्टेड डॉल है। अच्छा, ये ओनली 500 की है। अच्छा, 500 रुपए की है? बाहर 1000 रुपीज। 1000 रुपए का बाहर मिलेगा? ये हर जगह मिलेगा भी नहीं डॉल। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ आपका इम्पोर्टेड किया हुआ? देखिए, इसके अंदर वही फैब्रिक ही है? हाँ, अंदर भी फाइबर ही है ना? फाइबर ही आएगा। अच्छा, ये ऊपर का कपड़ा जो है ना, इम्पोर्टेड कपड़ा है। अच्छा, और ये 400। ये भी 500? 400, उसकी छोटा साइज। अच्छा, 400। और ये जो है? ये 600। ये भी इम्पोर्टेड है? अच्छा, ये भी इम्पोर्टेड है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। तो ये देख लिया मैंने, आपको बहुत सारी चीजें दिखा दिया है। और इसको देखिए, इसी तरह से रखना पड़ता है ये सारी चीजों को। अच्छा, ये सब जल्दी गंदे तो नहीं होंगे? नहीं नहीं। अच्छा, फुल वॉशेबल है, गंदा हो गया धो सकते हो, निकाल कर इसके फिर वापस कपड़े को धो सकते हो। छोटा चीज पीस है तो उसको डायरिंग मशीन में डाल देने। अच्छा, का अच्छा। बड़ा है तो इसे पीछे चेन दिया है, इसे निकाल के धो सकते हो। अच्छा अच्छा, तो दुकान कितने बजे सुबह स्टार्ट हो जाती है? 9:30 से 9:30। 9:30 से 9:30। हाँ, यानी कोई एक पीस लेना चाहता तो उसको एक पीस आप मिलेगा। और आपके आपके पास होलसेल भी है? आपका जो दो होलसेल वाला वो गोडाउन, हाँ। दूसरा है, अगर आपके पास कोई होलसेल में ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहता है तो वो भी आके ले सकते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। अच्छा, तो इनका और एक बात बता दूं, जैसे ये जो टॉयज आप देख रहे हैं, इनका एक होलसेल भी है जो गोडाउन वो दूसरे साइड है, ये रिटेल प्राइस है, ठीक है? मतलब आप कह सकते हैं कि होलसेल कम रिटेल प्राइस है, मतलब ये, हाँ। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये होलसेल कम रिटेल प्राइस है। इनकी और एक शॉप है, और एक जो गोडाउन है वो एक दूसरे जगह पर है। आप जैसे यहाँ पर विजिट करेंगे भाईंदर के, क्या नाम है इसे? प्लास्टिक मार्केट में। दुकान नंबर कितना है आपका? शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 2 है लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। शॉप नंबर 2 प्लास्टिक मार्केट, भाईंदर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, टिकट विंडो है उसके ठीक सामने। और वहां पर आपको ये टॉयज का जो होलसेल का जो दुकान है, रिटेल का दुकान है, दोनों मिल जाएगा। इनका होलसेल का दुकान अलग है, रिटेल का अलग है, ठीक है? आजू बाजू में सब, दोनों आजू बाजू में ही है। तो आप यहाँ पर आके होलसेल का भी माल ले सकते हैं, रिटेल का भी माल ले सकते हैं। जब आप इस दुकान पे पहुंच जाएंगे तो आपको होलसेल में आपको ये तुरंत अपने जो मेन इनका जो दूसरा दुकान है उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप यहाँ पर आकर आप अपना माल ले सकते हैं। तो सर बस ये सारी चीजें हो गई। बाकी ये जो अभी आजकल ये जो चल रहा है, ये क्या रेट के है? कैरेक्टर वाले जी, जैसे ये सुपरमैन, ये 300, ये 300 रुपए की, ये सुपरमैन बाहर 650 का डायरेक्ट है। अच्छा, बाहर 650 का। अच्छा, ये सुपरमैन, ये सब एक ही रेट है 300। और बाकी ये जो हल्क है, ये क्या प्राइस है हल्क? ये 400, ये 400 रुपए का। और ये सुपरमैन, ये 500 का बड़ा साइज, 500, ये भी 500, 500। और ये ऊपर निकचू, ये 750, 750। और ये सुपरमैन, ये 500। अच्छा, ये जो स्पाइडरमैन है, ये 500, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको सारे दुकान के दिखा दिए, जो जो सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर आकर यहाँ से अपने माल ले सकते हैं। ये आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको ये अपने होलसेल दुकान पे भी आपको लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये भाईंदर के जो लक्ष्मी इंटरप्राइजेस है, ये उनकी रिटेल शॉप है, ठीक है। और इनकी जो होलसेल की दुकान है वो ठीक इनके ठीक पीछे ही होलसेल की भी दुकान है। आप यहाँ पर आकर बहुत सारे माल ले सकते हैं, होलसेल में भी मिल जाएगा, और जो एक पीस लेना चाहता है वो एक पीस में ले सकता है। होलसेल के लिए आपको क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। जितना चाहिए उतना मिल जाता है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन होलसेल होना चाहिए। 6-6 पीस करके होलसेल में कितने पीस लेने पड़ते हैं? 6 पीस, 12 पीस जैसा आप ले सकते हो। अच्छा, 3-3, 6-6 पीस करके ले सकते हैं, मतलब क्वांटिटी, मतलब माल होना चाहिए होलसेल के लिए, मतलब मिनिमम 10,000 का माल होना चाहिए आराम से। 5,000 से 10,000 का माल होगा तो होलसेल में भी मिल जाएगा। तो होलसेल में तो फिर रेट बिल्कुल अलग है, वो होलसेल अलग है, वो रेट ही अलग है बिल्कुल। तो देख ले रहे हो, होलसेल का जो रेट है वो बहुत ही अलग है, यहाँ पर हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये देखो, दिखा दिया मैंने आपको जो इनकी रिटेल शॉप है, ये इसका सारा सब कुछ हमने आपको बताया। जो टॉयज के, जो सॉफ्ट टॉयज के मार्केट है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सुजाता जो शॉपिंग सेंटर, माफ़ करना, जो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक सेंटर है, प्लास्टिक जो मार्केट है, उसी में आपको ये दुकानें दिख जाएगी, ठीक है दोस्तों।
चैनल को दिल से सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो हम आपके लिए कुछ नया लेकर आ पाएंगे। मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।